गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सारंग दोटे। यस्टरडे वी डिस्कस द सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड व्हाट इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज व्हाट इज़ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज़ द कॉम्प्टन इफेक्ट, then what is the Heisenberg uncertainty principle and what is the de Broglie's hypothesis. Today we are going to discuss what is the meaning of photoelectric effect. In this slide you observe that there is a some electrons, movement of these electrons when a certain frequency light is incident on this the metallic surface, there is a movement of electrons, so that here we are getting the current. This is the known as the photoelectric effect. So photoelectric effect, this is a very important effect. This photoelectric effect is not explained by the classical theory, but this photoelectric effect is well explained by the Planck's quantum theory. So let's see. The phenomenon of the emission of an electron from the metal surface when the light of suitable wavelength falls on it is known as the photoelectric effect. That means iska kya meaning hua, jab particular फ्रिक्वेंसी वाली जब लाइट किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जब स्ट्राइक होती है तो वहाँ से कुछ सर्टन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड दिस इज द नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप सभी लोगों ने सोलर सेल देखी होंगी। सोलर सेल में फोटो वोल्टाइक सेल ही यूज़ होते हैं, जहाँ पर सनरेज जब स्ट्राइक होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजेक्ट्स होते हैं। सो दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो आपको ये ब्लैक कलर के जो डॉट दिख रहे हैं इनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज द फोटोन मीन्स वॉट द लाइट, हेंस इट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ एपरेटस। इन दिस एपरेटस इज कंटेन द हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब। When the beam of ultraviolet or visible light falls on the metal surface, the electrons are ejected from this surface. These electrons are pulled by the anode. This one is the, for example, is anode. Okay, this pulled by the anode by the high voltage, thus completing the circuit, and the flow current is measured by using this the galvanometer. यहाँ से आप गैल्वेनोमीटर से आप करंट को गिन सकते हो। दिस करंट इज नोन एज, ये जो करंट हो रहा है इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके नाउ अभी यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो पहले आप समझ लो यहाँ पर वो कौन सी टर्म्स होती है। नाउ For each metal there is a minimum frequency of incident light, okay, below which no electrons are ejected or emitted. This is the known as the threshold frequency, that is a mu zero. What does it means? So dekho yahan par, in this case yahan par jab aap incident light, jab aap kisi bhi light ko aap jab aap incident karoge yahan par इस मेटल सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो रहे हैं यहाँ से। ये जो लाइट होती है इट हैविंग द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, इट हैविंग द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ओके, रिमेंबर दिस थिंग, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच बिलो एट विच द दो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड और इमिटेड। इसका क्या मीनिंग है? सपोज मान के चलते हैं 20 हर्ट्ज, इतनी अगर फ्रीक्वेंसी है, इतनी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, बट इसके नीचे अगर सपोज मैं 15, 18 इनकी अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट ही नहीं होते हैं। सो दैट ये 20 जो है, 20 फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की, इसको बोला जाता है थ्रीशोल्ड। इसको क्या बोला जाता है? थ्रीशोल्ड, दैट इज़ कम से कम फ्रीक्वेंसी।
इतनी तो भी फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, ओके। बट दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। सभी मेटल्स के लिए एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी नहीं लगती है, अलग 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 फ्रीक्वेंसीज लगती है। नाउ नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होने के बाद वो मूव हो रहे हैं फ्रॉम द वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, दैट मीन्स एनोड के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखो, इलेक्ट्रॉन्स किसी भी चीज़ को अगर मूवमेंट करने के लिए उसके पास सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए, ओके। उसके पास क्या होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। अगर उस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो सो दैट इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं होंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट इंक्रीजेस लीनियरली विथ इट फ्रीक्वेंसी, यानी आप जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लाइट अगर आप यहाँ पर पास करते रहोगे तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ती हुई रहती है। द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी द लार्जर इज द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करेंगे आपके इंसिडेंट लाइट के ऊपर। नाउ अभी यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो यहाँ पर ध्यान दो, नाउ फर्स्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट लाइट एंड वी नो दैट लाइट इज डिनोटेड बाय एच म्यू, ओके। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एच म्यू, व्हेन द फोटोन ऑफ द एनर्जी एच म्यू इज इंसिडेंट अपॉन द मेटल सरफेस सो दैट एच म्यू इज देयर। नाउ सेकंड, आफ्टर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन मस्ट मूव फ्रॉम द वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड सो दैट इट रिक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी भी लगने वाली है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1905 ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ द पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड ऑफ अ फोटोन हैविंग एनर्जी एच म्यू, उसके पास इतनी एनर्जी होती है एच म्यू, दिस इज अ एनर्जी ऑफ व्हाट फोटोन, जो लाइट आने वाली है इंसिडेंट होने वाली है उसके रिलेटेड है ये एच म्यू। नाउ अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप द इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, ओके, एंड दिस एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एंड इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन, ओके। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, सो व्हाट इज दिस वर्क फंक्शन? द एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट इजेक्ट करने के लिए लगती है उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। दिस वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर थ्रेशोल्ड ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो। सो दैट साई इज इक्वल्स टू एच म्यू जीरो। एच म्यू जीरो मीन्स व्हाट? मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट इजेक्ट होने चाहिए सरफेस में से। सो दैट यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जो होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन्स आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब मिलेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। मूव होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? दैट इज़ यहाँ पर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू भी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, दैट इज़ एच म्यू जीरो। तो इन सब का अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, इन सब को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा। दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, दैट इज एनर्जी
of incident light plus kinetic energy. अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं होंगे, जस्ट वो सरफेस से बाहर निकलेंगे ऐसे और वापस अपनी जगह पर आएंगे. तो फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन डिनोट करेंगे एच म्यू से, इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज़ अ मिनिमम रेडिएशन एच म्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. ओके नाउ हाउ टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, देन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू जीरो. ओके देन प्लंक कांस्टेंट, देन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू जीरो. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 इज नोन एज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके इक्वेशन नंबर 3 इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक equation. And for this photoelectric equation he received the Nobel Prize in the 1921. So this is the Einstein photoelectric equation. On the basis of this we can calculate the kinetic energy of the electrons, or also we can calculate the what the radiations. Mu zero also can be calculated, mu is also calculated. So these are the photoelectric effect. This is what the photoelectric effect. Okay, now remember one thing, photoelectric effect, if suppose there is no kinetic energy is not there, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो जस्ट सरफेस से बाहर ही निकलेंगे, वो मूव नहीं होते हैं. बिकॉज यहाँ पर आपको एक कलेक्टर या फिर एक इलेक्ट्रोड लगाना पड़ता है जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपनी तरफ, सो ही दैट वहाँ पर फोटोवोल्टाइक सेल काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. तो रिमेंबर वन थिंग, काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जब तक नहीं होगी तब तक आपको वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा. ओके सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नेक्स्ट वन इज़ द कॉम्प्टन इफेक्ट. दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कॉम्प्टन इफेक्ट? नाउ सी Compton effect. The A.H. Compton in 1923 found that if the monochromatic X-rays are allowed to fall on the carbon or other light elements, the scattered X-ray have the wavelength larger than the incident X-rays. Okay, this phenomenon in which there is a change in wavelength is called the scattered X-ray, is called the Compton effect, is called as what? Compton effect. Now what does it means? Let's see. इनका क्या बोलना है? जब मैं मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज, मोनोक्रोमैटिक मीन्स वॉट? सबसे पहले आता है मोनोक्रोमैटिक. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक? द लाइट विच कंटेन द ओनली वन वेवलेंथ, दैट इज़ अ सिंगल वेवलेंथ. एक ही वेवलेंथ वाली लाइट है. अगर मैं एक ही वेवलेंथ वाले लाइट को अगर मैं कार्बन के ऊपर अगर मैं इंसिडेंट करता हूँ, अलाउ टू फॉल ऑन द कार्बन और अदर लाइट एलिमेंट्स, तो यहाँ पर कुछ लाइट जो होती है स्कैटर्ड हो जाती है. देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गया यहाँ पर, और इस डायग्राम में देखो स्कैटर्ड गामा रे. तो यहाँ पर जो स्कैटर्ड जो एक्सरे होता है, हैविंग द लार्जर वेवलेंथ दैन द इंसिडेंट एक्सरेज, हैविंग द लार्जर वेवलेंथ दैन इंसिडेंट. सिंपल वे से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर सपोज़ मैं यहाँ पर एक्सरेज अगर इंसिडेंट करता हूँ, तो एक्सरेज जैसे ही मैं इंसिडेंट करूँगा इसके ऊपर, ओके तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तो निकलेगा ही बाहर, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कुछ आपको रेडिएशंस मिलेंगे. इस रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ मीन्स वाट? लैम्बडा. तो ये है आपका सपोज लैम्बडा एक्सरे. सो लैम्बडा एक्सरे इज फाउंड एट वेवलेंथ, इसकी लेस होती है दैट इज रेडिएशंस. जो आपको स्कैटर्ड वाली जो रेडिएशंस मिलता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है. एंड दिस इज नोन एज द कॉम्प्टन इफेक्ट. इसको बोला जाता है व्हाट? कॉम्प्टन इफेक्ट. दैट इज अ चेंज इन द स्कैटर्ड एक्सरे इज नोन एज व्हाट? कॉम्प्टन इफेक्ट. नेक्स्ट, द एंगल थ्रू विच इंसिडेंट रेज आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ इज नोन एज एंगल ऑफ द स्कैटरिंग.
इज नोन एज वॉट, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जो इतना पोर्शन जो है ये वाला, दिस वन, दिस इज द नोन एज वॉट, एंगल ऑफ, नोन एज एंगल ऑफ द स्कैटरिंग, एंगल ऑफ वॉट, स्कैटरिंग, एंड इट इज ए डिनोटेड बाय थीटा, एंड इट इज ए डिनोटेड बाय वॉट, थीटा। नाउ मैथमेटिकल इक्वेशंस देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान में रखना, इंसिडेंट इंसिडेंट जो एक्सरे होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू स्कैटर्ड एक्सरे, उसको बोला जाता है कॉम्प्टन इफेक्ट। बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड बाय अज्यूमिंग दैट एक्सरे आर कंपोज्ड ऑफ द फोटोन एंड ईच ऑफ विच हैज़ द एनर्जी, कितनी रहेंगी, एच म्यू। अभी यहाँ पर मान के चलते, यहाँ पर आप जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसके पास फोटोन है, और फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, एच म्यू। सो दैट इक्वेशन कैसे रहेगा, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो, लैम्डा जो है, ओके, वेवलेंथ चेंज हो रही है, ओके, तो यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ स्कैटर कंसिडर करेंगे लैम्डा डैश, एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट इसको कंसिडर करेंगे लैम्डा, ओके, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट इसको क्या कंसिडर करेंगे, लैम्डा, एंड स्कैटरिंग एंगल क्या डिस्कस करेंगे, थीटा। सो दैट चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू, वी नो दैट लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम सी इक्वेशन, बिकॉज एच इज इक्वल्स टू एम सी बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा क्या होगा फिर, सॉरी, वी नो दैट एच इज इक्वल्स टू, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम सी, सो दैट, ओके, सो एच म्यू, वी नो दैट एच म्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा होता है, ओके, सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी की जगह पर आप सी बाय लैम्डा आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये इक्वेशन में क्या लिखोगे आप, एच डिवाइड बाय एम सी, और यहाँ पर डेविएशंस हुआ है इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिखोगे आप, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ इज इक्वल्स टू ट्वाइस एच बाय एम सी साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, ये मैथमेटिकल टर्म्स होती है अलॉन्ग विद दैट। नाउ दिस लैम्डा डैश, ये जो स्कैटरिंग वाली होती है, दिस इज अ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, एंड दिस वन इज द वॉट दैट इज लैम्डा स्कैटरिंग वेवलेंथ। नाउ हियर एच इज इक्वल्स टू प्लंक कॉन्स्टेंट, सी इज द वेलोसिटी, एंगल इज द deviations, that is a diffracted angle is there, scattering angle is also we can call it like that, and m is equals to what, the mass of electrons। now yahan par kuch basic terms hoti hai wo dekho, abhi yahan par samajh lo isko, if suppose theta is equals to 0, ek ek cases discuss karte hain yahan par, if suppose थीटा जो है ये जीरो है, व्हेन द थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, सो दैट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स यहाँ पर इसका क्या मीनिंग होता है, जो स्कैटर्ड लाइट जो है ना वो डिफ्रैक्ट ही नहीं होगी, वो भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पर आपका इंसिडेंट है, दैट मीन्स वो विदाउट डिफ्रैक्शन दोनों के दोनों भी स्ट्रेट लाइन ही है, दैट इज द स्कैटर्ड लाइट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एंड सो दैट देर इज अ नो चेंज इन द वेवलेंथ, वेवलेंथ में भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। इफ सपोज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ सपोज द थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, इन दैट केस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम सी, एंड आफ्टर कीपिंग द ऑल दिस वैल्यू, हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 2.42, दैट इज 2.42 पिकोमीटर। नाउ इफ सपोज द थीटा इज द 180 डिग्री, थीटा इज व्हाट,
180 degree during that time. Theta is equals to 180 degree. So the change in lambda is equals to twice h by mc. Here we are getting the value of what? 4.84. remember, these values is very very important, because अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेन द थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सेल्सियस, वेन द थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री सेल्सियस, क्या मिल सकता है आपको. तो ये वाली वैल्यूज है आपको याद रखनी है. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ क्वांटम इफेक्ट. दिस क्वांटम इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल थेरी, बट इट इज़ अ वेल एक्सप्लेन बाय वॉट, दैट इज़ अ प्लंक क्वांटम थेरी, और वी कैन कॉल इट द क्वांटम मैकेनिक्स. सो the two effect we are discussed, one is the photoelectric effect and second one is the what? Compton effect. In the both the cases, the similarity is what? When the light is incident, there is some changes either in the metal surface or in the atomic structure. So these are the effects. Now next we are going to discuss the next one, is what is the meaning of de Broglie's hypothesis. Next is what? What is the meaning of de Broglie's hypothesis? Now see, de Broglie's equation states that a matter can act as a wave, much like light and radiations, which also behave as a wave and particles. Simple way, according to de Broglie's hypothesis, the state of matter जो है वो दोनों इसमें behave कर सकता है, wave form में भी रह सकता है और वो particles के भी form में हो सकता है. The equation further explains that the beam of electrons can also be diffracted. Okay, beam of electron can also be diffracted just like a beam of light. The essence, the de Broglie's equation help us to understand the idea of a matter having a wavelength. Okay, जैसे for example electron जो होते हैं, okay, अभी तक आपने electrons की energy निकाली है, उसके मास भी निकाला है, बट इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब आप उसकी बीम को, इलेक्ट्रॉन बीम को जो है आप उसको भी डिफ्रैक्ट कर सकते हो. तो डिफ्रैक्शन होने वाले कौन होता है? लाइट होता है. तो यहाँ से पता चलता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन बीम को भी आप डिफ्रैक्ट कर सकते हो, तो दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव करके भी बिहेव करता है, वेव फॉर्म में भी बिहेव करता है. यहाँ पर अभी देखो, डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट द वेवलेंथ, that is lambda, associated with the microscopic, moving microscopic particle. That means यहाँ पर electron जो है continuously motion में होते हैं, तो उसके related होगा. तो so that lambda is equals to h divided by m u. So this is the momentum, तो h divided by p. इज वॉट द मोमेंटम, बिकॉज यहाँ पर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है, इसलिए वहाँ पर मोमेंटम होगा, वो मोमेंटम होगा. तो यहाँ पर दिस यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी होगा, यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, एंड स्मॉल पी इज इक्वल्स टू मोमेंटम. बोथ आर द रिलेटेड विथ वॉट? द इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस आर द इक्वेशन नंबर वन. नाउ नेक्स्ट डेविएशन. ओके, वी नो दैट E is equals to h mu. We know that E is equals to h mu, that is in the form of a velocity under lambda, that is sc by lambda. This is equation number 2 is there. Whereas this mu is what? Frequency of what? Light. Now according to Einstein mass energy relation, we know that the most favorite equation, that is E is equals to mc square is there. Okay, so that mc is equals to the momentum, mass into velocity. It is nothing but the momentum, but here the momentum of what? Light. Here the momentum of what? Light. Now from the equation number 2 and 3, from the equation number 2 and 3, what we are getting here? So here we are getting sc by lambda is equals to mc square, cc get cancelled, and final equation is the mc is equals to h by lambda. Okay, now according to de Broglie's, the moving material particles, that is a mass and a velocity, exhibits a dual character like a photon, and hence this equation, that is equation number 4, this equation number 4 can be applied to it. The momentum mu of the particle is given by, that is mu
is equals to h by lambda, h by lambda, or lambda is equals to h divided by mu. Okay, so that h divided by p. Here now see equation number 1 and equation number 5. Here we are getting the relationship between the, that is de Broglie's hypothesis. The equation number 5, this equation number 5 is known as de Broglie's equation. This equation number 5 is known as de Broglie's equation. The de Broglie's equation is significant for the microscopic particles like the electron, proton, atom, etc. So this is the very, very important de Broglie's hypothesis. Remember one thing, de Broglie's hypothesis is gives the information regarding the matter, or we can say it that electrons, for we are considering here the electrons, it behave like a both wave as well as in the form of what particles form. So this is the very, very important. Again, this concept is not explained by the classical mechanics, but it is explained by the quantum mechanics. So these are the de Broglie's hypothesis. Now last topic of this chapter, that is Heisenberg uncertainty principle. This is a very popular principle. What is the uncertainty principle? The Heisenberg uncertainty principle states that it is impossible to measure or calculate exactly the position and momentum of an object. इसका क्या मीनिंग होता है तो देखेंगे अभी. अब यहाँ पर ये है आपका न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली मूव होता है, तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स कोई भी चीज़ जब मूव होती है तो उसके पास एक मोमेंटम भी होती है और पोजिशन भी होती है. बट यहाँ पर क्या होता है, अगर सपोज एक्स इज इक्वल्स टू द पोजिशन, सो द डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजिशन. डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, चेंज इन पोजिशन. नेक्स्ट, इफ सपोज द स्मॉल पी इज इक्वल्स टू द मोमेंटम एंड डेल्टा पी इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम. इफ अगर आप सपोज डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आपको पता है, ओके, व्हेन वी आर नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, देन वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ व्हाट, चेंज इन मोमेंटम. वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा. व्हेन वी हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है अपने पास, देन वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स. इसका क्या मीनिंग होता है, आउट ऑफ टू, जब आप एक चीज़ एक की वैल्यू अगर आपके पास सर्टन है तो आप सेकंड वैल्यू जो है उससे आप क्या रहोगे, अनसर्टन रहोगे. उससे आप क्या रहोगे, अनसर्टन. दैट मीन्स व्हेन वी आर द सर्टन अबाउट द चेंज इन पोजिशन, देन वी हैव टू अनसर्टन अबाउट द मोमेंटम. सो दिस इज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. दैट मीन्स आप एट ए टाइम दोनों भी, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशन और मोमेंटम, आप दोनों भी एट ए टाइम कैलकुलेट या फिर मेजर विथ एक्यूरेसी नहीं कर सकते हो पता. नो, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एच बाय 4π. दिस इज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इक्वल्स टू भी हो सकता है या फिर वो ग्रेटर भी हो सकता है. सो दिस इज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स cannot have the definite path due to its the wave nature. Okay, so this is the Heisenberg uncertainty principle. So in today's lecture, what we are discussed, we are discussing the photoelectric effect and their mathematical expression. Next one is we are discussed here their Compton effect with their mathematical expression. In the both the cases, common is what, when the certain light is incident on it, there is a changes in case of electrons, in case of the atomic structure. Next is we are discussed what is the meaning of a de Broglie's hypothesis, and last theory is what is the Heisenberg uncertainty principle. Both these are the theory is related to the what, the behavior of electrons or matter or atoms. On the basis of that, we are derived the various equations. Heisenberg uncertainty principle gives an information regarding what, we can calculate the both, that is a change in position and momentum exactly at one time,
And de Broglie's hypothesis gives an information about what we cannot say that the electrons only behave like a wave or it can be a particle. It behave like a both particle as well as the waveform. Hope आप सभी को ये समझ में आया होगा कि आज क्या क्या पढ़ा है वो. ओके सो थैंक यू.